अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी एक डबल क्रोशे क्लस्टर स्टिच पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको ये यार्न, सिल्क यार्न और 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 चेन्स बनाने के बाद हम पैटर्न को बनाने के लिए 2 चेन्स इंक्रीज करेंगे। 2 चेन्स इंक्रीज़ करने के बाद हम थर्ड चेन जो हुक से है उसके अंदर हम डबल क्रोशे अनफिनिश्ड बनाएंगे 1 टाइम एंड अगेन डबल क्रोशे अनफिनिश्ड बनाएंगे 2 टाइम्स। उसके बाद जो 3 लूप्स हैं हुक पर उनसे हम यार्न को पुल ओवर कर लेंगे और चेन 1 बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद हम 1 चेन स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 1 टाइम, डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 2 टाइम्स एंड डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 3 टाइम्स बनाएंगे और 4 लूप्स जो हुक पर होंगे उनसे इकट्ठे यार्न को पुल ओवर कर लेंगे। इसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद हम अगेन 1 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशे 1 अनफिनिश्ड, डबल क्रोशे 2 अनफिनिश्ड, डबल क्रोशे 3 अनफिनिश्ड बनाएंगे और यार्न को 4 लूप्स के अंदर से पुल ओवर कर लेंगे। अगेन चेन 1, स्किप 1 चेन और नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 1, डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 2 एंड डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 3 बनाएंगे और 4 लूप्स से यार्न को पुल ओवर करते हुए नेक्स्ट चेन 1 बनाएंगे। इसी तरह से हम एंडिंग तक क्लस्टर स्टिच बनाते जाएंगे। लास्ट 2 चेन्स में से लास्ट चेन जो है उसके अंदर अगेन हम डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 1 टाइम, डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 2 टाइम्स, डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 3 टाइम्स बनाएंगे और 4 लूप्स जो हुक पर मौजूद हैं उनसे यार्न को इकट्ठे पुल ओवर कर लेंगे। हमारा फर्स्ट रो रेडी हो जाएगा। सेकंड रो के लिए चेन 1, चेन 2, चेन 3। चेन 3 बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न ओवर करेंगे और जो स्पेस है हमारे पास क्लस्टर स्टिच की उसके अंदर हम अगेन अनफिनिश्ड 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेज अनफिनिश्ड बनाने के बाद हम 4 लूप्स हुक पर जो मौजूद हैं उनसे यार्न को पुल ओवर करते हुए चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट क्लस्टर स्टिच स्पेस के अंदर से 3 टाइम्स डबल क्रोशे अनफिनिश्ड बनाते हुए 4 लूप्स जो हुक के ऊपर होंगे उनसे यार्न को पुल ओवर कर लेंगे। चेन 1, नेक्स्ट जो स्टिच है उसके लिए भी अगेन हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशेज अनफिनिश्ड तैयार करके 4 लूप्स जो हुक पर मौजूद होंगे उनसे इकट्ठे यार्न को पुल ओवर करते हुए चेन 1 बनाएंगे और सेकंड रो को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल लास्ट में हम जो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे बनाने के बाद हम चेन 1, चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और सेम स्पेस के अंदर हम डबल क्रोशे अनफिनिश्ड 2 टाइम्स बनाएंगे
और चेन वन बनाएंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर हम डबल क्रोशे थ्री टाइम्स अनफिनिश्ड बनाएंगे और जो फोर लूप्स हैं उनसे यार्न को इकट्ठे पुल ओवर कर लेंगे, चेन वन बनाएंगे। चेन वन बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस के अंदर अगेन हम डबल क्रोशे अनफिनिश्ड थ्री टाइम्स बनाएंगे और यार्न को पुल ओवर करते हुए चेन वन बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को भी अपनी को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट जो हमारे पास स्पेस है इसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे, क्लस्टर स्टिच बनाएंगे अगेन। और इस तरह से हमारा पैटर्न जो है वो रेडी हो जाएगा। आप इस पैटर्न को बैग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।